हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिया शरीर के सेकंड चैप्टर के बारे में, तो जिसका एक टॉपिक है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, तो आइए इसका श्लोक देखते हैं कि लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का श्लोक क्या कहता है। जो आचार्य चरक हैं उन्होंने इसको बताया है, या वंतो ही लोके मूर्ति मंतो भाव विशेषता वंता पुरुषे, या वंतो पुरुषे तावंतो लोके इति। ठीक है, यानी कि या वंतो ही लोके, जो कुछ भी इस लोक में है मूर्तिमान स्वरूप वाले, यानी इस लोक में जितने भी मूर्तिमान स्वरूप वाले जो भावों के भेद हैं, इस लोक में जितने भी मूर्तिमान स्वरूप वाले भावों के भेद हैं उतने ही जीवित शरीर में हैं, उतने ही जो हैं वो पुरुष में हैं, और जितने पुरुष में हैं, जितने भाव पुरुष में हैं वो सारे इस लोक में हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ इस लोक में है वो सारी व्यक्ति के शरीर के अंदर भी मौजूद हैं, पुरुष में भी मौजूद हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जो आपकी पृथ्वी है वो मूर्ति के समान है, शरीर के समान है, और जो आपका जल है वो शरीर में क्लेद के समान है, जो वायु है शरीर लोक में वो शरीर में प्राण के समान है, और ब्रह्मा यानी जो ज्ञान है वो अंतरात्मा के समान है, और सतयुग जो है वो आपका बाल्यावस्था के समान है, क्योंकि सतयुग वो युग है जहाँ पर सत्य बोला जाता था, और जो बाल्यावस्था होती है जब बच्चा छोटा होता है तो वो सत्य ही बोलता है। फिर जो आपका त्रेता युग है वो युवावस्था है, और जो आपका द्वापर युग है वो बुढ़ापा है, और जो आपका कलयुग है वो आतुर यानी रोगी, और जो युगांत मतलब मरण, व्यक्ति का मरण, जब युग का अंत हो जाएगा तो व्यक्ति का मरण होगा, और जो सृष्टि है वो गर्भाधान। ठीक है, तो यही था आपका लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। अब यहाँ पर लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का प्रयोजन या महत्व बताया गया है कि लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का क्या प्रयोजन है और क्या महत्व है, तो आइए देखते हैं क्या बताया गया है। सभी परिकल्पनाओं का आधार आयुर्वेद में लोक पुरुष साम्य सिद्धांत है। पंच महाभूत परिकल्पना त्रिदोष परिकल्पना, ऋतु के अनुसार दोषों के परिवर्तन की परिकल्पना तथा काल के अनुसार दोषों के परिवर्तन की कल्पना का आधार लोक पुरुष साम्य सिद्धांत ही है, इसलिए आयुर्वेद ने इस सिद्धांत की प्रधानता मानी गई है। ठीक है, यानी जो त्रिदोष की जो परिकल्पना है कि जो जैसे कि जो वायु अगर लोक में है तो शरीर के अंदर प्राण है, अगर बाहर जो जल है वो शरीर के अंदर क्लेद है, ठीक है, जो कि कफ श्लेष्मा, तो इसी प्रकार से जो आपके त्रिदोष हैं, जो आपके पंच महाभूत की जो परिकल्पना की गई है और जो त्रिदोष की जो परिकल्पना की गई है वो सब लोक पुरुष साम्य सिद्धांत पर ही निर्भर करती है, इसलिए लोक पुरुष साम्य सिद्धांत की आयुर्वेद में प्रधानता मानी गई है, यही ऐसा इसमें बताया गया है। फिर बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की जो कि आपके इस चैप्टर में बताए जाते हैं। पहला है त्रिगुण, तो त्रिगुण अगर पूछा जाए तो ये तीन होते हैं, तीन गुण, यानी पहला सत्व, दूसरा रज, तीसरा तम। सत्व रज तम आपके त्रिगुण होते हैं और इन्हीं को महागुण कहते हैं। जो महागुण होते हैं वो यही होते हैं त्रिगुण, सत्व रज तम। फिर बात आती है त्रिदोष की, तो जो आपके त्रिदोष होते हैं पहला वात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ। वात पित्त कफ, तो जो वात होता है वो कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी होता है, यानी बॉडी का जितना भी कंट्रोल रहता है वो सब वात के द्वारा होता है, और जो कैटाबॉलिक यूनिट है वो पित्त है, और जो एनाबॉलिक यूनिट है वो आपका कफ है, इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। और त्रिदोष को त्रिस्तंभ भी कहा गया है,
और त्रिस्तूण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो त्रिदोष को त्रिस्तंभ भी कहा गया है। फिर बात आती है आपके रस की, तो रस की बात पहले भी हो चुकी है। जो रस हैं, रस आपके छः बताए गए हैं, षट रसों का वर्णन किया गया है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो अब बात करते हैं धातु के बारे में। तो धातु से मतलब होता है धारणा धातुआ, जो हमारे शरीर को धारण करें उनको धातु कहते हैं। ठीक है, तो धातुएं जो हैं वो सात बताई गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। धातुएं आपकी सात बताई गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सात धातुएं आपको सीरियल वाइज याद कर लेनी है, क्योंकि जो रस है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र बनता है। ठीक है, तो ये लाइन से ही बनता है। अब जो एक श्लोक है वो बताया गया है धातुओं का, रसाद्रक्तम, रसाद्रक्तम तसो मासम मासान मेदस तो अस्थि चा अस्तनो मज्जा तस शुक्रा शुक्रात गर्भा प्रसाद जा। ठीक है, यानी रसाद्रक्तम, रसाद्रक्तम यानी रस से रक्त, तत्तो मांस यानी रस से रक्त, रस से रक्त, रक्त से मांस और मांस से मेद और मेद से अस्थि और अस्थि से मज्जा और तत् शुक्र से मज्जा से शुक्र और शुक्र से गर्भ, शुक्र से जो है वो गर्भ बनता है। ठीक है, तो श्लोक का मतलब यही है कि रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से आपका शुक्र। इसलिए श्लोक ये है, रसाद रक्तम ततो मासम मासान मेद अस्थि च अस्तनो मज्जा तद शुक्रा शुक्राद गर्वा प्रजायते। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर प्रजायते होगा, प्रजायते। बाकी सब ठीक है। फिर बात आती है कि मांस, जो मांस होता है ये श्लोक अलग से है। ठीक है, फिर जो मांस होता है उसको मस्कुलर टिश्यू से कोरिलेट कर सकते हैं, मेद को एडिपोज टिश्यू से, अस्थि को बोन और मज्जा को हम बोन मैरो और शुक्र को रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ठीक है, यहाँ पर शुक्र जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों की ही बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पर हमें शुक्र से सिर्फ स्पर्म को नहीं लेना है, जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, मेल और फीमेल दोनों का ही लिया गया है। फिर बात आती है ओज, ओज क्या है, ओज को धातुओं का सार भाग कहा गया है। ओज मतलब हम इम्यूनिटी से कोरिलेट कर सकते हैं, तो जब आपका शुक्र बन जाएगा तो शुक्र के बाद जो है वो ओज बनता है, शुक्र से ओज बनता है। तो ओज को समस्त धातुओं का सार भाग कहा गया है, इसकी कमी से व्यक्ति रोगी तथा नाश से मृत्यु होती है। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ओज। ठीक है, इसको हम इम्यूनिटी से कोरिलेट कर सकते हैं और इसको धातुओं का सार भाग कहा गया, इसके नष्ट होने से मृत्यु भी हो सकती है। फिर आप कहते हैं पदार्थ, तो षट पदार्थ जो होते हैं वो आपके द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। वैसे तो पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया जाता है, भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ, लेकिन अगर कोई आपसे कॉमनली पूछे तो पदार्थ छः होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये आपको याद कर लेना है। फिर आता है दोषों का पंचभौतिकत्व। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्वद्रव्यम पंचभौतिकस्मिन अर्थ है, इस संसार में कोई भी द्रव्य है वो पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ है। तो जो आपके दोष हैं वो भी पंच महाभूत से मिलकर बने होंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा दोष कौन कौन से पंच महाभूत से मिलकर बना होता है। तो जो आपके त्रिदोष हैं, वात, पित्त, कफ, उनकी बात की जाएगी। तो जो अष्टांग संग्रह है, ठीक है, यानी कि बागवत के द्वारा ये बताया गया कि जो वात है वो वायु प्लस आकाश महाभूत से मिलकर बना होता है, जो पित्त है वो अग्नि महाभूत से मिलकर बना होता है और जो कफ है वो जल और पृथ्वी महाभूत से मिलकर बना होता है। जबकि सुश्रुत ये बताते हैं कि जो वात
जो है वो वायु से मिलकर बना हुआ है, पित्त जो है वो अग्नि से मिलकर बना हुआ है, और कफ जो है वो जल से मिलकर बना हुआ है। चक्र पाणी भी यही सुश्रुत जैसा ही बताते हैं कि वात जो है वायु से, पित्त अग्नि से, और कफ जो है वो जल से मिलकर बना हुआ है। रहता है धातुओं का पंच भौतिकत्व। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर्व द्रव्यम पंच भौतिक अस्मिन अर्थ है, कोई भी द्रव्य है वो पंच महाभूत से मिलकर बना होता है। जैसे कि अभी ऊपर त्रिदोष पढ़े, वैसे ही जो आपकी सप्त धातुएं होती हैं वो भी पंच महाभूत से मिलकर बनी होती हैं। तो जो आपकी सप्त धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, तो यहाँ पर दो आचार्यों ने बताया है, चक्रपाणी और डल्लण। ठीक है, तो रस के बारे में चक्रपाणी ने कुछ नहीं कहा है। तो जो डल्लण है, डल्लण बताया जो रस जो है, जो डल्लण है उन्होंने निबंध संग्रह लिखा है सुश्रुत संहिता के ऊपर, तो उसी में इन्होंने बताया कि जो रस है वो जल महाभूत से मिलकर बना होता है, और जो रक्त है वो चक्रपाणी ने बताया कि तेज और जल से मिलकर बना होता है। जो चक्रपाणी है वो बहुत ही बड़े टीकाकार हैं, इन्होंने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पर भी टीका लिख रखी है। चरक संहिता पर आयुर्वेद दीपिका इनकी टीका लिखी है। तो चक्रपाणी ने रक्त को तेज प्लस जल महाभूत की अधिकता वाला बताया है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इन महाभूतों की अधिकता होती है, इसमें होंगे तो पांचों ही महाभूत, इसमें जो तेज और जल है ना इसकी अधिकता है इसमें, जैसे कि, और जबकि जो डल्लण है उन्होंने बताया कि इसमें रक्त में अग्नि की अधिकता होती है। ठीक है, होंगे इसमें पांचों महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, लेकिन आधिक्य किसका है उसकी बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको होता है मेजोरिटी विंस। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिख देते हैं कि इसमें जो है अग्नि महाभूत से मिलकर बना हुआ है रक्त, लेकिन होंगे इसमें पांचों ही महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर आता है मांस। तो मांस आपका पार्थिव यानी पृथ्वी, पृथ्वी महाभूत से मिलकर बना हुआ है। फिर आता है आपका मेद, मेद जल और पृथ्वी, जल और पृथ्वी दोनों ने सेम बताया। फिर अस्थि, अस्थि पृथ्वी और वायु, इन्होंने बताया पृथ्वी, वायु और तेज, पृथ्वी, वायु और तेज। मज्जा, मज्जा इन्होंने बताया जल, इन्होंने भी जल। शुक्र, इन्होंने बताया जल, इन्होंने भी जल। ठीक है, तो ये आपकी सप्त धातुओं के पंच महाभूत से संबंध हो गए। फिर आता है मलों का पंच भौतिकत्व, कि जो आपके मल होते हैं तीन, पुरुष, स्वेद, मूत्र, मूत्र, पुरुष, स्वेद, जो आपके तीन मल हैं तो वो कौन कौन से महाभूत से मिलकर बने होते हैं। जो पुरुष होता है वो पार्थिव यानी पृथ्वी महाभूत से, स्वेद जो है वो जल महाभूत से, मूत्र जो है वो अग्नि और जल महाभूत से मिलकर बना होता है। फिर आता है कि त्रिगुण व त्रिदोष में संबंध। तो आपके त्रिगुण पढ़े थे सत्व, रज, तम, इन्हीं को महागुण भी कह रहे थे, सत्व, रज, तम, इन्हीं को महागुण कह रहे थे। तो ये कौन से, इनका और दोषों का क्या संबंध है। जो पित्त दोष होता है वो उसको सत्व गुण से कोरिलेट कर सकते हैं, और जो रज है वात, और जो तम है उसको कफ से। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपके त्रिगुण हैं, त्रिगुण का महाभूत से संबंध। जो त्रिगुण है आपके सत्व, रज, तम, उन्हीं को महागुण भी कहते हैं, तो उनका महाभूत से क्या संबंध है। तो आपके पंच महाभूत जो पांच हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो जो आकाश महाभूत है वो सत्व बाहुल है। सत्व बाहुल यानी सत्व की बाहुलता है, सत्व प्रधान है, सत्व ज़्यादा होगा। और वायु जो है वो रज प्रधान है, अग्नि सत्व एवं रज बाहुल है, और जल जो है आपका सत्व एवं तम बाहुल है, पृथ्वी जो है आपकी वो तम बाहुल मानी जाती है। तो ये आपके त्रिगुण का महाभूत के साथ संबंध हो गया। तो इसी के ऊपर सुश्रुत जी ने एक श्लोक भी दिया है, तत्र सत्व बाहुलम आकाश्यम, रजो बाहुलो वायु, सत्व रजो बाहुलो अग्नि, सत्व तमो बाहुला आपा, तमो बाहुला पृथ्वी इति। तो अगर आप उसको याद कर लेंगे, उसमें बिल्कुल यही बताया गया है, टू कॉपी बिल्कुल यही है, ये उसी श्लोक से लिए गए हैं। फिर आता है रसों का दोषों से संबंध। तो दोष आपके तीन हैं, वात, पित्त, कफ। तो हम षट रसों का वर्णन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर कर लेते हैं। जो आपके तीन दोष हैं, वात, पित्त, कफ और षट रस, तो जो आपके कटु, तिक्त, कषाय रस हैं वो वात दोष को बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर कोई आदमी कटु, तिक्त, कषाय रस का वर्णन
सेवन करेगा तो उसका वात दोष बढ़ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मधुर अम्ल लवण का सेवन करेगा तो उसका वात दोष जो है वो कम हो जाएगा, उसका क्षय हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अम्ल लवण कटु का सेवन करेगा तो उसका पित्त दोष जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर मधुर तिक्त कषाय का सेवन करेगा तो उसका पित्त जो है वो कम हो जाएगा, और कोई मधुर अम्ल लवण का सेवन करेगा तो उसका जो कफ जो है वो बढ़ जाएगा, अगर कोई कटु तिक्त कषाय का करेगा तो उसका जो कफ है वो घट जाएगा। ठीक है, फिर आता है सबसे आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का कि दिन रात, दिन रात्रि, वय यानी एज, दिन रात्रि वय यानी एज, भोजन की अवस्था से दोषों का संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर एज लिख ली गई है वय, वय का मतलब चाइल्डहुड, यूथ यानी युवावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, तीन कंडीशंस जो हैं वो आती हैं, उनकी बात कर ली गई है। फिर दिन या रात्रि यहाँ पर लिख लिए गए हैं, तो सबसे पहले देखते हैं दिन या रात्रि यानी कि प्रातःकाल जिसको रात्रि का प्रथम पहर कहेंगे, मध्याह्न यानी दोपहर जिसको मध्य रात्रि, मध्याह्न और मध्य रात्रि यानी ये ऊपर वाला प्रातःकाल है और जो रात्रि का प्रथम पहर यानी ये दिन की प्रातःकाल यानी सुबह की बात हो रही है और ये रात्रि का प्रथम पहर की बात हो रही है, ये दिन है और ये रात का टाइम बताया जा रहा है, और ये मध्याह्न दोपहर की बात हो रही है और ये रात में मध्य रात्रि की बात हो रही है, शाम की बात हो रही है और ये देर रात्रि की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये आपके दिन और रात्रि हो गए। फिर आता है भोजन की अवस्था, एक होती है आमावस्था यानी जब जो आहार है वो पचना शुरू हुआ होता है। ठीक है, एक होती है पच्यमानावस्था, ठीक है, जिसमें आहार जो है वो पच्यमान यानी पक चुका होता है, जीर्ण हो चुका है। एक होती है जीर्णावस्था, इसमें आहार जो है वो जीर्ण हो चुका होता है। आमावस्था मतलब तुरंत भोजन आपने किया है, पाचन स्टार्ट होने वाला है। एक होती है पच्यमानावस्था जहाँ पर जो आहार है वो जीर्ण हो रहा होता है या हो चुका होता है, और जीर्णावस्था में जो आहार है वो जीर्ण हो ही चुका होता है पूरी तरीके से। तो जो आपकी जो ऊपर वाली कंडीशन है बाल्यावस्था, प्रातःकाल, रात्रि का प्रथम पहर, और आमावस्था में जो है वो कफ बढ़ा हुआ मिलेगा, और युवावस्था में और मध्याह्न और मध्य रात्रि और पच्यमानावस्था में आपका पित्त बढ़ा मिलेगा, वृद्धावस्था, सायंकाल, देर रात्रि, जीर्णावस्था में आपका वात बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 5 नंबर तक में या 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आ जाता है। तो इस प्रकार आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है।